Yes. Okay, good evening to all of you. After understanding the first and basic definition of bookkeeping, we are now learning some important terms. So important terms mein aata hai transaction. Transaction ka Hindi matlab hota hai vyavhar. So vyavhar kya? Vyavhar kis cheez ka? So goods and services. Main simple baatein bolta hu, aap samjho koi dukaan mein gaye. पैसा दिया, दूध का पैकेट खरीदा, बिस्किट खरीदा, तो आपने गुड्स खरीदा, सामान खरीदा, या जैसे कोचिंग क्लासेस में आए, फीस भरा, कॉलेज में गए, फीस भरा, वहां पर भी पैसा ही भर रहे हो, लेकिन वहां पर कोई चीज हाथ में नहीं मिलता, वहां पर मिलता है सर्विसेज। ऐसे कई सारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। कैन यू टेल मी अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ places where you pay the fees but you don't get something in hand, that is service sector. Aisa koi jagah ka naam aap likh sakte ho? Transportation, yes, doctor, hospital, gymnasium, wonderful, communications, I think IT, yeah, schools, superb, kya baat hai, 7 jan ne jawab diya 35 jan mein se. Internet, there is a lot of internet problems I see because there were 42 students at the beginning, now there are 36 people. तो कुछ जरूर प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवेज, इन माय लेक्चर यू कैन ऑलवेज लाफ, यू कैन बी हैप्पी, एंड जो भी रहेगा पार्टिसिपेट करते रहने का, और कुछ भी करेक्ट है रॉन्ग है इसके बारे में कुछ नहीं सोचने का दोस्तों। अभी क्यों हंसा लोकेश? अरे अननेसेसरी हंसो मत, गलत मैसेज जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, हिंदी में बहुत अच्छा कहावत है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग कहेंगे क्या लोग। ये बात याद रख लो, मैं आंसर दूंगा रॉन्ग होगा तो सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब सोचते हैं। तुम लोग मत बैठो, जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। तुम तुम्हारा पार्टिसिपेशन लेवल हाई रखो तो तुमको मजा आएगा। मैं हर एक आंसर का रिप्लाई दूंगा, करेक्ट रहेगा तो करेक्ट, रॉन्ग रहेगा तो रॉन्ग। So on that note, everyone give me a thumbs up. I want all 36 students to give me a thumbs up. It's not for one or two students that I am teaching here. Yes, and my answers are, yeah, questions are very simple, my dear friends. So why you cannot answer? That is the biggest question. So, हमने दुकान में गए, सामान खरीदा या services लिया, उसके बदले में पैसा दिया, और money is worth. मनी इज वर्थ का मतलब सोचो, एक दिन इमेजिन करो कि आप क्लासेस में आए, आप कॉलेज में गए, आप हॉस्पिटल में गए। अच्छा, ये एग्जांपल अच्छा रहेगा, कोरोना के वक्त बहुत लोगों ने देखा। हॉस्पिटल में गए, पेशेंट ठीक हो गया 4 दिन के बाद, लेकिन उसका बिल बना लाख रुपया। अब जो गरीब का ट्रीटमेंट हुआ था उसके पास लाख रुपया नहीं है, तो उसने उसके हाथ में एक सोने का अंगूठी और एक बांगड़ी था, वो उठा के रख दिया, बोला सर इसका कीमत 1 लाख से ज्यादा है, आज मेरे पास पैसा नहीं है, ये रख लो आप। मेरा सवाल है आपसे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमोशनली बोलोगे सर बेचारा है, गरीब है, ये वो सब मैंने पूछ रहा हूं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा बिजनेस चलेगा? क्या इज दिस ए ट्रांजैक्शन? सो फॉर ऑल ऑफ यू हु आर सेइंग नो, तन्मय इज करेक्ट, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, दिस इज, माय डियर फ्रेंड्स, सामने पैसा मिल गया ना। Yeah, it is a something like barter system only, because the gold is worth the money. अब कानूनी बात बताता हूं, याद रखना, अगर वो डॉक्टर ने ले लिया ना वो मर जाएगा। बोलोगे सर कैसे? ये जिसने गरीब ने जाके सोना दिया है और पेशेंट वहां से छुड़ा लिया, अगर वो सीधा पुलिस स्टेशन जाके बोलेगा डॉक्टर ने मेरा सोने का बांगड़ी चुरा लिया,
या डॉक्टर बर्बर, कानून बहुत डेंजर है, आपको कानून मालूम होना चाहिए। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया आप। तो कभी कभार अपन पैसे के बदले कोई और चीज देते हैं, और हम लोग सामान या कोई सर्विस लेते हैं, उसको भी क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन। जूना जमाने में ये होता था, जैसा लोकेश पवार ने बरोबर बोला, उसको बोलते थे हम लोग बार्टर एक्सचेंज। हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट हर्ड द वर्ड बार्टर? प्लीज टाइप अ मी। बार्टर शब्द नहीं सुना है? सब लोग इंग्लिश मीडियम के ही आ गए क्या? ऐसा मेरे पास कोई हिंदी मराठी मीडियम का नहीं है। वाओ, हेलो हेलो, कौन आएगा? ओके, सब सबको मालूम है, बहुत खुश नसीब हूँ यार मैं। गुड। सो इफ वी ट्राई टू डिफाइन अ ट्रांजैक्शन, वी कैन से दैट ट्रांजैक्शन कैन बी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज। यू हैव टू टेल मी व्हाट इज अ बार्टर एक्सचेंज। व्हाट इज अ बार्टर एक्सचेंज? एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर यस अनदर गुड्स। वेरी गुड। जब सामान के बदले सामान दिया जाता था, लिया जाता था, तो इट वॉज कॉल्ड एज बार्टर एक्सचेंज। एकदम मिडिवल एज में, जूना जमाने के जमाने में बिजनेसमैन बिजनेस कैसा करता था? बिजनेसमैन नहीं होते थे प्रैक्टिकली, वहां पर दुकान नहीं होता था। किसी के घर पे चावल होता था तो किसी के घर पे गेहूं होता था, आपस में उन लोग एक्सचेंज कर लेते थे, तो उसको बोलते थे बार्टर एक्सचेंज। Was barter exchange a good form of business? Was barter exchange a good form of business? Yes, no, don't know. Kirti Mishra says no. Tanmay says no. Chandan Pandey maybe no. Vishka says yes. Parul says yes. Shreya don't know. Rajendran no. Kiran yes. Lokesh Pawar says it was not accurate. I will come to that, Lokesh. Okay. So we are having a wonderful classroom where we are having all three answers. Some of them are saying yes. Some are saying no. Some of them are saying don't know. Let me ask you then. If yes, barter exchange mein advantage kya tha? Aisa kya tha jisko aapko bol rahe the ki wo best hai karke? आपको ओसी में भी बार्टर एक्सचेंज आएगा, एवोल्यूशन ऑफ कॉमर्स। ओके, जो लोग नो बोल रहे थे वो लोग बोलना बार्टर एक्सचेंज में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि आप बोल रहे हो नहीं नहीं ये बरोबर नहीं है? व्हाट डू यू फील अबाउट इट? यू कैन शेयर योर व्यूज, कम ऑन स्टार्ट। थोड़ा प्रॉफिट मिलता था, ये अच्छा था कि बुरा था? ओके, वी वॉन्ट टू बाई समथिंग, वी कैन गिव एनीथिंग, अच्छा था। ओके, सो अगर आप बार्टर एक्सचेंज में बैठे हो, आपके पास कोई चीज है, तो क्या आप ऐसा एक्सचेंज जहां पर आपको वेस्ट मिलेगा आप ले लोगे क्या बेटा? विल यू टेक इट? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट? दोस्त जमाने में लोग एकदम ही पागल थे। आप ऐसे क्यों अज्यूम कर रहे हो कि आप अकेले होशियार हो? ओके, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड सूटेबल, हाँ, बोथ साइड कोऑपरेशन इज वेरी मस्ट, वेरी गुड। डिसएडवांटेजेस क्या है वो बताओ। अभी जो लोग नो बोल रहे थे,
उनको कुछ लगा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम है बार्टर एक्सचेंज में, इसलिए दे दे से दैट इट वाज नॉट ए प्रॉपर मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फील? यस फ्रेंड्स, क्या प्रॉब्लम फेस करते थे आप? आपको क्या लगता है? एवरीबडी कैन शेयर देयर व्यूज. अभी किसी ने यस बोला रहेगा, उसने भी रीजन लिखा क्या प्रॉब्लम है, तो आई विल बी हैप्पी टू नो दैट. कुछ प्रॉब्लम नहीं था? टाइप कर रहे हो? आई विल वेट. जिसके पास गोल्ड है और उसको राइस या व्हीट चाहिए तो वो दे के राइस लेगा, अनबैलेंस हो जाएगा. वेरी गुड कीर्ति, सुपर. इट वॉजेंट एक्यूरेट एट प्रॉफिट वाइल अदर्स एट लॉस बिकॉज बोथ मटेरियल्स मे नॉट बी ऑफ द सेम रेट. परफेक्ट. इनजस्टिस इन ट्रेड. द बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज समबडी रोट इट दैट. समझो, मैं कॉमर्स में बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने PhD कर लिया है और मुझे सिखाना है. मैं वहां पर अपना वो कौन है हीरो, मान के चलो गौरव पांडे, गौरव ही ना रे, नाम गलत है, चंदन पांडे, सॉरी, मेरा अच्छा दोस्त, उसको बोला आ इधर, मैं तेरे को कॉमर्स सिखाता हूँ. चंदन को मुझसे सीखना है तो वो बैठेगा मेरे पास सीखने को, क्योंकि उसको चाहिए और मेरे को देना है. सोचो, चंदन पांडे का कोई एक खास दोस्त है जिसको साइंस लेना है. मैं बोलता हूं नहीं, मैं कॉमर्स का PhD है, बैठ मेरे पास सीखने को. जबरदस्ती मैंने बिठाया, बोलो क्या वो मुझसे सीखेगा क्या? मैं अच्छा सिखाता हूं यार. आई टीच द बेस्ट, आई गिव द बेस्ट. यू ऑल आर फीलिंग दैट यू आर गेटिंग मैक्सिमम आउट ऑफ इट. लेकिन फिर भी वो बोलेगा सर मतलब गरजच नहीं है, मतलब साइंस सिखाता है, का जबरदस्ती करता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? कंसेंट दोनों का होना चाहिए. एक के पास चावल है, उसको चाहिए घोड़ा. ध्यान से सुन, एक के पास चावल है, उसको चाहिए घोड़ा, या उसको चाहिए गाय, उसको चाहिए बैल, फार्मिंग के हिसाब से, और दूसरे के पास है व्हीट. अब दोनों कितना भी चाहे, बिजनेस हो ही नहीं सकता, कारण दोनों का नीड अलग अलग है. ये बोलता है मैं चावल दूंगा, मेरे को घोड़ा लाके दे, मेरे को गाय लाके दे, मेरे को बैल लाके दे. वो बोलेगा नहीं, मेरे पास गेहूं है, गेहूं चाहिए. बार्टर एक्सचेंज में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे. देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ डिविजन. अच्छा, घोड़ा है भी इसके पास देने लायक, वो बोलेगा एक घोड़े का कीमत तू मेरे को क्या देगा? तो बोला 1000 बोरी चावल देता हूं. वो बोलता है नहीं, 1000 बोरी नहीं, मेरे को 2000 चाहिए, क्योंकि 1000 बोरी में आधा घोड़ा काट के देगा क्या? प्रॉब्लम्स थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, बिकॉज देर वॉज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. बार्टर एक्सचेंज वॉज अ फेलियर. बार्टर एक्सचेंज वॉज अ फेलियर. याद रखना, उस जमाने में, लेकिन वो बहुत काम का चीज था. जब जिस जमाने में जो आता है ना मेरे दोस्तों, वो बहुत काम का चीज होता है, मोबाइल फोन. मैं आपको बताता हूं, आप में से कितने लोगों ने फर्स्ट मोबाइल जो लॉन्च हुआ इंडिया में वो देखा था? एनीबडी? तुम तो पैदा भी नहीं हुए रहेंगे, आई डाउट, क्योंकि 1995-96 में पहले बार मोबाइल इंडिया में लॉन्च हुआ था. आप लोग सब जिंदा हो ना रे? यस. नोकिया ही का बहुत जुना वर्जन था. मोबाइल तुम देखोगे ना तो मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मोबाइल हुआ करता और उसके ऊपर इतना बड़ा एंटीना लगता था. लोग ऐसा शान से मोबाइल ऐसा हाथ में लेके घूमते थे. हाँ, पिक देखा रहेगा तो भी आपने देखा हो मेरे दोस्तों. नहीं, 3310 तो बहुत बाद में आया. मैं पहला मोबाइल बोल रहा हूँ, इतना बड़ा मोबाइल, ह्यूज मोबाइल. आज मैं आपको फ्री में दू ना तो भी आप नहीं लोगे, बोलोगे सर ये कचरा फेंका, ये तो हमारा डंबल से भी हैवी है. लोग शान से लेके
अच्छा शान का बाद भी था रे। हाँ वॉकी टॉकी से भी बड़ा, ऑलमोस्ट वॉकी टॉकी तो भी फिर भी छोटा हो गया। शान से लेके घूमते तेरे शान, मतलब ऑफ कोर्स इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड इफ आई टेल यू इन दोज डेज दैट इनकमिंग कॉल, सुनना मेरी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, इनकमिंग कॉल एक बार हेलो बोला ना, हाय हेलो, 1 सेकेंड का 40 रुपया, 40 रुपीज पर सेकेंड, और आउटगोइंग किसी ने हाय बोला ना, 80 रुपया प्रति सेकेंड रेट होते थे। कितना था? 80 रुपीज पर सेकेंड, 40 रुपीज इनकमिंग, मतलब मोबाइल रखना मतलब महीने का 25,000 रुपया बिल, महीने का 60,000 रुपया बिल, ऐसा बिल लोगों ने भरा है। या पारुल, एनी गिवन डे, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग माय डियर फ्रेंड्स, इतना महंगा लोगों ने मोबाइल वापरा है, आज इनकमिंग फ्री है, आज अपने को सबको इनकमिंग फ्री है ना, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कॉल उस लाइक ना, मिस कॉल देना तुला, लोग मिस कॉल पे जीते, उनकी कॉल उठाए तो पैसा लगता है ना, जो भी लगता है 12 पैसा 15 पैसा। तो आज मोबाइल, अच्छा बात करने को कौन वापरता है मोबाइल, टेल शो मी ए पर्सन हु यूजेस मोबाइल टू टॉक। मोबाइल तो बात करने के लिए है ही नहीं, मेरे को लगता है किसी को बोला अपन ने 2-4 साल के बाद मोबाइल बात करने के लिए इन्वेंट हुआ था, बोलेगा हट, मोबाइल व्हाट्सएप के लिए इन्वेंट हुआ था, मोबाइल इसके लिए हुआ था, गेमिंग के लिए हुआ था। आज मोबाइल का जमाना बदल गया, द डेफिनेशन ऑफ मोबाइल हैज चेंज अपसाइड डाउन। आज उसमें अपन देखते हैं कैमरा का ये कितना वर्जन क्या है, क्या क्या मतलब आई डोंट नो व्हाट यू पीपल चेक फॉर, मैं फिर भी बूढ़े कैटेगरी में आ जाता हूँ है ना, जहां पर मोबाइल की बात आती है। ये देखो सब टेक्निकल भाषा बात करने को आ गए लोग, मेरे को ये एमपी क्या वो पूछना पड़ेगा, काय असतो एमपी, आमच्या मध्ये एमपी म्हणजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ एट दैट टाइम इट वॉज ओनली फॉर टॉकिंग, बाकी कुछ नहीं होता था, एक गेम होता था ठीक है, वो स्नेक वाला गेम किसने देखा भी रहेगा क्या, मेरे को मालूम नहीं। हाँ परफेक्ट बरोबर है, बस एक ही मोबाइल में एक ही गेम, लोग वो देख के खुश होते थे, आज के बच्चे वो देख के हंसते, उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो वीडियो बनता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन ए थिंग इज इन्वेंटेड दोज डेज थिंकिंग अबाउट मोबाइल वॉज ग्रेट, बट धीरे धीरे बदलाव 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 बदलाव, मोबाइल साइज पहले छोटा हुआ, फिर फीचर्स आए, फिर उसके अंदर कैमरा आया। मैं आपको अगर बोलूं 10 साल के बाद लोगों ने सेल्फी निकालने को सीखा, तो आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, आज मोबाइल लेने का बोला तो सेल्फी के लिए लेते हैं, कुछ मोबाइल तो सेल्फी लेने के लिए बनाए गए हैं ना। उधर 10 साल के बाद पहली बार किसी ने सेल्फी निकाला 2005 2006 में, तब से वो क्रेज पकड़ लिया, लोग सेल्फी निकालने लगे, फिर कहाँ कहाँ जाके सेल्फी निकालते मालूम नहीं। आज एक नया ट्रेंड आ गया है, अब ये इन्होंने लेके आया, वो किसने लेके आया है, एप्पल वाले लोगों ने, एप्पल 11 में क्या लेके आया, आईफोन 11 में नाइट विजन है ना, अंधेरे में भी दोपहर के जैसा इफेक्ट, हर टाइम उन लोग कुछ ना कुछ नया लेके आते, आप पब्लिक को पागल करते रहते, और पब्लिक तो पागल है ऑलरेडी, कोई डाउट नहीं है। आप किधर किधर से फोटो निकाल रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन बिजनेस वाज इन्वेंटेड इट वाज बार्टर, ठीक है, व्हेन बिजनेस वाज इन्वेंटेड, आज तुम देख के बोलोगे सर ऐसा का बिजनेस हुआ भी करता था क्या, हाँ हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में लोग कम पढ़े लिखे थे, तो उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन कम था, उस जमाने में लोगों का सोच कम था, किसी ने बहुत अच्छे से लिखा, पीपल वेर कंटेंटेड, गाँव एक गाँव बसते थे,
जहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, सब आपस में खेती बाड़ी करते थे, दे वर वेरी क्लोज टू द नेचर एंड वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर एंड दे वर वेरी हैप्पी. बट देन रेवोल्यूशन एवोल्यूशन, लोगों को मालूम पड़ा, इंसान सीखने लगा, बाहर जाने लगा, दुनिया देखने लगा, बोला अच्छा ये डेवलपमेंट है, अपने आप को वो डेवलप करने लगा. फिर गांव से शहर बन गया, शहर में बहुत सारे नए नए चीज आने लगे, वैसा बिजनेस का नेचर बदली हो गया. आज अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम बार्टर वी आर हैविंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अब मॉनेटरी में दो बातें हो सकती है, बोलो बिजनेस में दो प्रकार के ट्रांजैक्शन क्या क्या हो सकते हैं. एक तो आप दुकान में जाकर पैसा दे के सामान खरीदोगे, दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं उसको आप, कैश ट्रांजैक्शन, पैसा दिया सामान लिया. और क्या चीज है जिसके वजह से आप सामान ले सकते हो कैशलेस को क्या बोलोगे, ऑनलाइन इज देयर, ऑनलाइन इज देयर. ठीक है, अभी इसमें ऑनलाइन नहीं आता है, ऑनलाइन में भी नहीं आता है. यस, व्हाट वी डू विथ क्रेडिट कार्ड इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी में सामान. मतलब आज सामान खरीदा, ये कितने लोगों को मालूम है कि आपके बाजू में दुकानदार जो वाणी रहता है, जो जनरल स्टोर्स वाला रहता है, वो आपको आज सामान देता है, महीने का खाता लिखता है, महीने के आखिर में या अगले महीने के 1 तारीख को जाके आप अकाउंट सेटल करते हो, ऐसा देखा है क्या आपने? Has anybody of seen this? वो दुकान अपने जैसे ही रहता, अपन कभी भी जाते मला हे दिया, मला ते दिया, मला असा दिया, मला तसा दिया, लेके आ जाते हो. एंड देन यू हैव, तो दिस इज कॉल्ड एज अ विच ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन. मोर देन बायर टू बायर, व्हाट वी कॉल एज एक जनरल स्टोर्स में दुकानदार बोलने से ज्यादा बिजनेसमैन. अभी बिजनेस का एक चेन होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग चेन है मेरे दोस्तों. दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय दिस. ठीक है, सो आई टेक दिस पर्टिकुलर चार्ट फॉर माई टीचिंग पर्पस. फ्रेंड्स, इन बिजनेस वर्ल्ड याद रख लो, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इज द मैन्युफैक्चरर. कौन है दोस्तों? मैन्युफैक्चरर. नाउ हु इज अ मैन्युफैक्चरर, टेल मी वन थिंग, हु इज अ मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर किसको बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर, इंडस्ट्री. ठीक है, वो लोग जो गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरर्स, राइट? एवरीबॉडी नोज दैट. प्रोडक्शन करने वाले लोगों को हम लोग मैन्युफैक्चरर बोलते हैं. मैन्युफैक्चरर के बाद यस, वन हू मैन्युफैक्चरर्स, वन हू प्रोड्यूसर्स, आता है होलसेलर्स. क्या आता है? होलसेलर, जो होलसेल में सामान खरीदता है उसको बोलते हैं होलसेलर्स. फिर आता है रिटेलर्स. कौन आता है उसके बाद? रिटेलर्स. एंड देन कम्स द
कस्टमर्स, देन कम्स द कस्टमर। याद रख लेना ये जो चेन है इसको आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर। तो एकदम सिंपल सा चेन है, कस्टमर को कंज्यूमर भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, बट वी विल टॉक अबाउट कस्टमर, कंज्यूमर मैं बाद में बताऊं। तो हम लोग पहला वाला चेन, लोवेस्ट चेन की बात करें कि हम कस्टमर और हम हमारे रिटेलर आजू में जो जनरल स्टोर्स है वहां पर जाके सामान खरीदते। ये जो बिजनेस है मेरे दोस्तों इसको कुछ मॉडल्स बोलते हैं। लास्ट वाला जो है उसको बोलते हैं B2C मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, B2C मॉडल। व्हाट इज B2C मॉडल? इट इज बिजनेस टू कस्टमर, ये इधर चलता है। बाकी मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को बेचता है या होलसेलर जब रिटेलर को बेचता है तो उसको बोलते हैं B2B मॉडल, दैट इज सेल ऑफ गुड्स बाय बिजनेस टू बिजनेस। हमारे 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग में हमको ये B2B मॉडल ज्यादा काम का आने वाला है, इसके ऊपर हमेशा ज्यादा फोकस रखना। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि B2C मॉडल में ज्यादातर जो बिजनेस होता है इट इज ऑन कैश बेसिस। आप कोई भी दुकान में जाते हो तो यू मेक पेमेंट, मेक पेमेंट, यस नो डोंट नो, आप पैसा देके सामान खरीदते हो। ऐसे बहुत कम जगह है शायद जहां पर आपको सामान के बदले में, या हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को गुड्स के बदले में उधारी मिलता है, बहुत अच्छा पहचान वाला रहेगा तो। बट आजकल हमारा शॉपिंग ऑनलाइन हो गया है, मॉल्स में हो गया है, तो वहां पर तो कैश ट्रांजैक्शन ही चलता है। लेकिन बिजनेस टू बिजनेस दुकान कोई चलाता रहेगा। आप में से किसी का कोई दुकान है क्या दोस्तों? टाइप अमी, टाइप अमी, किसी का दुकान किसी भी प्रकार का, विवेक का है? यस आई नो दैट। और कोई? तो जो लोग बिजनेस चलाते हैं, ओके चंदन का भी है, उन लोगों ने शायद देखा होगा, उन्होंने शायद सुना होगा कि क्या होता है, आज सामान लेते हैं अपन, पेमेंट कुछ दिनों के बाद करते हैं। ऐसा जो ट्रांजैक्शन होता है जहां पर पेमेंट बाद में दिया जाता है उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बोलो आप लोगों को ये तीन शब्द, बार्टर एक्सचेंज, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, समझ में आया क्या? तो अपने को एग्जाम में समझने के बाद लिखना भी जरूरी है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ कैश ट्रांजैक्शन, सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन in which cash is paid or received immediately is known as a cash transaction. So what will be a credit transaction? A business transaction in which cash is not paid or received immediately but settled on a later date is called as a credit transaction. And third humne sikha barter exchange. बार्टर एक्सचेंज किसको बोलते हैं हम लोग? बार्टर एक्सचेंज मतलब अ ट्रांजैक्शन
in which goods are exchanged against goods. Are called as barter exchange transactions. तो कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, बार्टर एक्सचेंज, तीनों समझा क्या? तो बिजनेस में हम लोग नॉन मॉनिटरी रिकॉर्ड नहीं करते. हम लोग, याद रखना, बुककीपिंग का डेफिनेशन में क्या बोला, वी रिकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. सो इट कैन बी आइदर ए कैश ट्रांजैक्शन और इट कैन बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन व्हिच हैपेंस आइदर बिटवीन रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. ये जो है हम लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं.